दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो दोस्तों व्हाट्सअप का आज मैं आपको सीक्रेट फीचर बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग हमेशा व्हाट्सअप पर किसी की चैट देखना चाहते हैं या फिर किसी के साथ चैट करना चाहते हैं या फिर दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर व्हाट्सअप चलाना चाहते हो या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की व्हाट्सअप की चैट अगर अपने मोबाइल के अंदर देखना चाहते हो या फिर दोस्तों आप किसी के साथ पर्सनल चैट करते हो, तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ, ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों अगर आप किसी के साथ पर्सनल चैट करते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो कर। दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सअप के कुछ सीक्रेट फीचर बताने वाला हूं जो दोस्तों बिना OTP आप व्हाट्सअप चला सकते हो, किसी का भी चलाना चाहते हो अपने मोबाइल के अंदर या दोस्तों आप चैट देखना चाहते हो अपने मोबाइल के अंदर तो भी देख सकते हो इजीली। दोस्तों व्हाट्सअप कैसे चलाओगे वो भी बताऊंगा। पहले दोस्तों मैं आपको व्हाट्सअप के कुछ सीक्रेट फीचर बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि आप एक एप्लीकेशन के जरिए व्हाट्सअप की किस तरह चला सकते हो अपने मोबाइल के अंदर और चैट किस तरह से देखोगे वो बताऊंगा एंड में। सबसे पहले दोस्तों आप यहां प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो दोस्तों यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है आई बटन का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां मैं आपको कुछ फीचर बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आप व्हाट्सअप कैसे चला सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, एक सीक्रेट एप्लीकेशन बताने वाला हूं। दोस्तों यहां देखिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप किसी के साथ व्हाट्सअप पर चैट करते हो तो उससे पहले दोस्तों इस इनक्रिप्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये कुछ इस तरह का वेरीफाई हो जाएगा और लॉक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 60 डिजिटल नंबर है, इस पर आप दोस्तों क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में ये जो नंबर दिख रहे ये दोस्तों आप किसी के साथ पर्सनल चैट करते हो तो दोस्तों ये नंबर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना या फिर स्क्रीनशॉट मंगा लो। अब दोस्तों आप कहोगे आप तो व्हाट्सअप चलाने कह रहे, चैट देखने के लिए कह रहे, तो ये क्यों कह रहे, तो वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा ये क्यों कह रहा। अब दोस्तों ये क्या करना, आपको सीक्रेट है जो है आप स्क्रीनशॉट मंगा लीजिए या सेंड कर लीजिए। अगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई इस तरह की एप्लीकेशन आते हैं जिसकी मदद से दोस्तों कोई भी चैट आपकी बीच में देख लेता है, आपका व्हाट्सअप भी चला सकता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे चलाते हैं। तो आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके सेम अक्सर नहीं मिल रहे चेंजिंग है तो इसका मतलब आपका व्हाट्सअप बीच में चैट कोई भी पढ़ रहा है, तो ये जरूर चेक कीजिए। सबसे पहली सेटिंग आपको ये फीचर ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसपेयरिंग मैसेज का, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। दोस्तों कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं, तो दोस्तों डिसपेयरिंग वाले मैसेज पर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना, टाइम डालना 24 घंटे। उसके बाद दोस्तों आप किसी को भी मैसेज करोगे या फिर आपके पास कोई भी मैसेज आएगा उतने टाइम में डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आपको कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, आपको कोई धोखा नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, आपके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ 24 घंटे आप डाल सकते हो या फिर 7 दिन डाल सकते हो, 90 दिन का भी टाइम है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां आपको एक और ऑप्शन मिलता है मीडिया विजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कई बार आपके फ्रेंड ज्यादा है, ग्रुप ज्यादा है तो गंदी गंदी पिक्चर आ जाती है, आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाती है, फिर आपका मोबाइल को दोस्त देखते हैं तो दोस्तों आपको कहते हैं कि आप इस तरह की पिक्चर क्यों रखें। तो दोस्तों यहाँ क्या करना, मीडिया विजिबिलिटी वाला ऑप्शन है, इसको आपको क्या करना, नो पर क्लिक करना। डिफॉल्ट यस पर नहीं रखना, न आपको यस पर रखना, यहाँ आपको नो पर ही क्लिक करके रखना। कोई भी गंदी पिक्चर ऐसी आएगी तो वो आपके व्हाट्सअप तक ही रहेगी, गैलरी के अंदर सेव नहीं होगी, ताकि आपका मोबाइल कोई भी घर वाले या फिर दोस्त देखेंगे तो वहाँ आप पर हंसी या मजाक ना उड़ाए। तो ये आप डिफॉल्ट या नो पर, यस पर ना रखकर नो पर रखें, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर। अब दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे गर्लफ्रेंड की व्हाट्सअप की चैट हमें देखनी है, बॉयफ्रेंड की व्हाट्सअप की चैट देखनी, तो किस तरह से देखें, या फिर हमें व्हाट्सअप को अपने मोबाइल के अंदर चलाना चाहते हम तो किसी का भी व्हाट्सअप तो कैसे चला। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करता चलूं कि दोस्तों बिना OTP आप किसी का भी व्हाट्सअप नहीं चला सकते हो, बिना इजाजत आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना चैट देख सकते हो, ना इस तरह का कोई फ्यूचर है। हालांकि आप अगर YouTube पर सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे, परंतु दोस्तों ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है जिसकी मदद से आप किसी का भी व्हाट्सअप चला सकते हो या फिर किसी का व्हाट्सअप अपने मोबाइल के अंदर चैट देख सकते हो, इस तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भले कहिए, मैं इसमें आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बाकी इस तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं। दोस्तों इन फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, मेरे को दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।